हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लडशॉट फिल्म के सेकंड ट्रेलर और फिल्म की रेटिंग के बारे में। तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि इस फिल्म को लेकर आपके भी थोड़े बहुत डाउट्स इस वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, खास करके इस फिल्म की रेटिंग्स को लेकर जिनकी पहले तो कोई भी कन्फर्मेशन निकल कर नहीं आई थी, बट अब फाइनली कन्फर्मेशन कर दी गई है ये फिल्म किस टाइप की ऑडियंस के लिए बनाई गई है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग जाए तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कुछ डिटेल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर में ही मैंने आपको फिल्म की काफी सारी डिटेल्स दे दी थी एक्चुअल में फिल्म का प्लॉट हमें क्या अलग प्रेजेंट करेगा। और बात करें फिल्म के सेकंड ट्रेलर की, तो फिल्म का सेकंड इंटरनेशनल ट्रेलर लगभग 1.5 मिनट का ही है और सारे के सारे ट्रेलर में फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड कम और फिल्म की एक्शन की डिटेल ज्यादा दिखाई गई है, क्योंकि पूरी फिल्म का फोकस फिल्म के एक्शन पर ही है। और नो डाउट फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे ये फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट फिल्म लग रही है, जिसे देखकर हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। ऊपर से फिल्म में हमें विन डीजल जैसे एक्टर रे ग्रीसम यानी ब्लडशॉट के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि कॉमिक बुक का एक सबसे फेमस कैरेक्टर है। और मेरे हिसाब से विन डीजल की कास्टिंग ब्लडशॉट के कैरेक्टर के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस डिपेंड ये करता है कि फैंस इस फिल्म को किस नजर से देखने वाले हैं और क्या वो लोग इस टाइप की फिल्म को सपोर्ट भी करेंगे या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज का दौर सुपर हीरोज की फिल्मों का है और लोग इस टाइप की ही फिल्में ज्यादा देखना पसंद करते हैं, इसलिए हो सकता है कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से ये एक अच्छी सुपर हीरो की फिल्म साबित हो। लेकिन जिस तरीके का पूरा फिल्म का फर्स्ट सेकंड ट्रेलर था, उन्हें देखकर तो ये बात फैंस ने अपने दिमाग में भर ली थी कि ये फिल्म कंप्लीट आर रेटेड होगी, यानी बच्चों के लिए इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया होगा। लेकिन अब फिल्म की ऑफिशियल रेट निकल कर आ गई है, जो कि फिल्म को सीधे सीधे PG-13 बता रहा है। जी हाँ, PG-13 यानी बच्चे भी इस फिल्म को थिएटर में देखने जा सकते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लडशॉट फैंस का इससे दिल टूट गया होगा। लेकिन फिर से ट्रेलर की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का ट्रेलर हमें वॉयलेंस भरा ही दिखाया गया है, और ऐसे में फिल्म की रेटिंग PG-13 होना तो मुझे नहीं लगता है कि इससे फिल्म पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। और विन डीजल फैंस तो है ही जो इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और अब फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर भी हमें फर्स्ट ट्रेलर की तरह वही डिटेल देता है, जहाँ पर हमें साफ साफ नजर आता है कि ब्लडशॉट को एक प्रोग्राम की तरह यूज किया जाता है, जिनसे अब ब्लडशॉट किसी भी हालत में निकलना चाहता है, क्योंकि वो किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोग्राम नहीं है जिसे वो लोग बार बार रीसेट कर अपना काम करवाए, खास करके लोगों को मरवाना जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ब्लडशॉट इस कंपनी का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा इस कंपनी में बाकी दूसरे और प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं जो शायद सक्सेसफुल ही रहे थे। लेकिन जितना ज्यादा पावरफुल ब्लडशॉट का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में नजर आने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि बाकी दूसरे प्रोजेक्ट ब्लडशॉट से आगे निकल पाएंगे, क्योंकि ब्लडशॉट के पूरे शरीर में छोटे छोटे नैनोबॉट्स डाले गए हैं जो उसे बहुत ही जल्दी रिपेयर कर देते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि क्या ब्लडशॉट इस बड़ी सी कोऑपरेटिव कंपनी को पूरी तरीके से एक्सपोज करेगा या उसे बर्बाद कर देगा उनके सारे के सारे सोल्जर्स को मारकर। और ये भी कि ब्लडशॉट के पूरे यूनिवर्स को इस फिल्म से कितनी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। तो वेट करते हैं इस फिल्म के रिलीज होने का, जिसकी रिलीज डेट 13 मार्च की रखी गई है, और मेरे हिसाब से ये फिल्म इसी तारीख के दिन हमारे इंडिया में भी रिलीज होगी, क्योंकि विन डीजल की फैन फॉलोइंग हमारे इंडिया में भी कुछ कम नहीं है। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या ब्लडशॉट फिल्म के लिए जरा सा भी एक्साइटेड है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग जाए तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।